हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट के इस लेक्चर सीरीज़ में आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस, राइट। सो बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस एंड व्हाट आर द वेरियस रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस एंड देन आर्किटेक्चर ऑफ सिक्योरिटी गवर्नेंस, राइट। सो इफ वी टॉक अबाउट द सिक्योरिटी गवर्नेंस, सो बेसिकली अगर इसको हम देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के रेफरेंस में, तो सिक्योरिटी गवर्नेंस का मतलब क्या है? मीन्स कि जितने भी एक्शंस हो रहे हैं, लाइक कल जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था सिक्योरिटी के बारे में कि क्या क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोसेस में। सो टू ओवरकम ऑल द सिक्योरिटी इश्यूज विद इन द क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोसेस, यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है इसका क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस का, राइट। वो क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस बेसिकली क्या होता है कि एक मॉडल होता है जो कि चेक करता है जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोसेस में परफॉर्म की जा रही हैं, तो उन एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए, राइट। एंड देन जो भी सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स यूज़ किए जा रहे हैं या जो भी एल्गोरिदम्स या टेक्निक्स यूज़ किए जा रही हैं फॉर प्रोवाइडिंग द क्लाउड सिक्योरिटी, तो क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस क्या करता है, ये चेक करता है एंड मॉनिटर करता है कि वो जो भी एक्शंस वहाँ पे लिए जा रहे हैं वो अप्रोप्रिएट एक्शंस हैं या नहीं हैं। दैट मीन्स कि अगर वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं तो उसका कोई बेनिफिट हो रहा है या नहीं है, राइट। और इसके अलावा और भी चीज़ें जैसे यूज़र का जो भी मीन्स, इसमें अगर ये कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन जो है यूज़र का, तो इसमें गवर्नेंस वो भी चेक करता है विद इन द क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोसेस कि एक्चुअली में वो एक्सपेक्टेशंस यूज़र की इसमें मीट हो रही हैं या नहीं, राइट। तो ये जनरल टर्म्स में इस तरीके से क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस टेक्निकली, तो टेक्निकली इसकी डेफिनेशन इस तरीके से हम दे सकते हैं कि बेसिकली क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस रेफर्स टू द मैनेजमेंट मॉडल, राइट। तो बेसिकली क्या है, इट इज अ मैनेजमेंट मॉडल दैट फैसिलिटेट्स इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सिक्योरिटी मैनेजमेंट इन क्लाउड एनवायरमेंट टू अचीव बिजनेस टारगेट्स, राइट। तो बेसिकली इसमें क्या क्या, टू इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसमें। फर्स्ट इज मैनेजमेंट मॉडल एंड करता क्या है ये, सिक्योरिटी मैनेजमेंट इन क्लाउड एनवायरमेंट, राइट। तो एक ये बेसिकली एक रेफरेंस मॉडल कह सकते हैं जो कि इंश्योर करता है कि विद इन द क्लाउड जो भी सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हैं वो प्रॉपरली मैनेज हो रहे हैं कि नहीं और इफेक्टिवली वो अप्लाई हो रहे हैं या नहीं विद इन द क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोसेस, राइट। सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योरिटी गवर्नेंस, तो रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो रिक्वायरमेंट, मैंने यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स मेंशन की हुई है कि सपोज अगर ये गवर्नेंस रिक्वायर्ड है तो ये क्यों रिक्वायर्ड है, तो उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज फॉर इंश्योरिंग द डिफरेंट सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। यानी कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है मींस जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो अगर क्लाउड कंप्यूटिंग मींस कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो डिफरेंट क्लाउड की सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका सिक्योरिटी गवर्नेंस ये चेक करेगा कि डिफरेंट सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स जो वहाँ पे अराइज होते हैं वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉलो हो रहे हैं या नहीं, राइट। और उसका जो आउटकम है वो अप्रोप्रिएट आउटकम्स हैं या नहीं, राइट। सेकेंड रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड रिक्वायरमेंट इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि आपका सिक्योरिटी गवर्नेंस क्यों यूज करते हैं, फॉर डिफाइनिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ सिक्योरिटी विद इन सर्विस मॉडल्स एंड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स ऑफ क्लाउड, राइट। अगर क्लाउड की हम बात करें तो इसमें मैंने आपको डिप्लॉयमेंट मॉडल्स और सर्विस मॉडल्स, ये टू इंपॉर्टेंट मॉडल्स बताए थे जो कि जो भी प्रोसेस अगर इसमें यूज करता है यूज़र तो इन टू मॉडल्स को फॉलो करता है, मीन्स कि इसी के थ्रू क्लाउड को यूजर्स को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, राइट। तो अब जो सिक्योरिटी कंसर्न्स अराइज होंगे वो भी बेसिकली इन्हीं मॉडल्स में अराइज होंगे, मीन्स जो प्रॉब्लम आ सकती हैं वो डिप्लॉयमेंट मॉडल्स जो कि डिप्लॉय किए गए हैं डिफरेंट क्लाउड्स के थ्रू वहाँ पे प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है, प्लस जो सर्विस मॉडल्स यूज़र यहाँ पे यूज़ करता है उसमें भी डिफरेंट सिक्योरिटी इश्यूज़ आ सकते हैं। तो ये गवर्नेंस बेसिकली उन डिफरेंट मॉडल्स में, डिप्लॉयमेंट मॉडल्स में और सर्विस मॉडल्स में चेक करता है कि इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग सिक्योरिटी और नॉट, राइट। और इस तरीके का अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होता है तो जो मैनेजमेंट टीम है वो उसको इन्फॉर्म करता है और वो टीम अप्रोप्रिएट एक्शंस जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे मेजर्स अप्लाई करती है फॉर इंश्योरिंग द डिफरेंट सिक्योरिटी एक्टिविटीज़, राइट। तो ये था बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योरिटी गवर्नेंस। अब इसके अगर हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो आर्किटेक्चर मैंने यहाँ पे सिंपल सा आर्किटेक्चर एक ड्रॉ किया हुआ है जिसके हेल्प से हम क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस को समझ सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस ये सेंट्रल मॉनिटरिंग मॉडल, इससे कई सारे मॉडल्स और एट मीन्स लिंक्ड अप होते हैं और इसी की हेल्प से यहाँ पे मॉनिटरिंग मीन्स जो एक्चुअल मॉनिटरिंग होगी वो यहाँ पे जो गवर्नेंस टीम होगी वो मॉनिटर करेगी कि डिफरेंट यहाँ पे जो एंटिटीज इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट मॉडल्स इन्वॉल्व हैं, उसमें सिक्योरिटी के क्या मेजर्स अप्लाई किए जा रहे हैं और उसका आउटकम क्या है। तो यहाँ पे गवर्नेंस बेसिकली इट इज कनेक्टेड विद पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजीज, राइट। क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, जो यूजर्स हैं वो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज को यूज करते हैं तो ये इससे लिंक्ड अप होंगे। देन डिफरेंट प्रोसेसेस जो यूज किए जाते हैं फॉर इंश्योरिंग द सर्विसेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड देन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो यहाँ पे यूज की जाती हैं फॉर प्रोवाइडिंग डिफरेंट सर्विसेज टू द यूजर्स, राइट। अब ये गवर्नेंस बेसिकली ये 3 यहाँ पे बॉडीज होती हैं जो इस पर्टिकुलर क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस में इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट इज CBO, देन COE, देन CSA, राइट। CBO बेसिकली इट बिलोंग्स टू क्लाउड बिजनेस ऑफिस। क्लाउड बिजनेस ऑफिस क्या करता है, ये ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज रिगार्डिंग द क्लाउड सिक्योरिटी उसको मॉनिटर करता है, चेक करता है और उसके अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं उसको डिफाइन करता है, प्लस जो रेक्टिफिकेशंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है रिगार्डिंग द सिक्योरिटी इश्यूज उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है एंड रिपोर्ट करता है डिफरेंट मेंबर्स को, वो अकॉर्डिंगली यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, राइट। अब इसी तरीके से COE भी क्या है, एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स है मींस एक बेसिकली टीम होती है जो ऑब्जर्व करती है डिफरेंट सिक्योरिटी इश्यूज को एंड अकॉर्डिंगली रिपोर्ट करती है, राइट। एंड थर्ड वन इज द क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस। क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस यहाँ पे क्या, इसका क्या काम होता है, बेसिकली ये क्या करता है, ये भी डिफरेंट जैसे कि जो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के उसके रिगार्डिंग डिफरेंट क्या रिसर्च यहाँ पे मीन्स की एग्जिस्टेंस में आ सकती है उसके लिए ये बेसिकली मीन्स कि ये कह सकते हैं कि ये मोटिवेट करता है कि डिफरेंट क्या रिसर्च एरियाज हो सकते हैं सिक्योरिटी के रिलेटेड जो अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये इसको इंश्योर करेगा डिफरेंट सिक्योरिटी इश्यूज को रिमूव करने में। तो ये एक बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिटेबल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करता है डिफरेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट मेजरमेंट्स उनका स्टडी करता है एंड अकॉर्डिंगली क्या डिफरेंट एक्शंस होते हैं उसका टाइम टू टाइम यहाँ पे अपडेशन देता रहता है, राइट। अब ये जो सिक्योरिटी गवर्नेंस है ये सारे मेंबर्स ये इसमें इन्वॉल्व हैं, ये सारे मेंबर्स जो मॉनिटरिंग करेंगे फर्दर वो किसकी, यहाँ पे मैंने आपको बताया अभी जैसे सर्विस मॉडल्स का मॉनिटरिंग करेंगे एज वेल एज डिप्लॉयमेंट मॉडल्स का मॉनिटरिंग करेंगे, राइट। सर्विस मॉडल में डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मॉडल की सर्विसेज, देन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मॉडल, देन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल, ये तीनों मॉडल्स यहाँ पे ये इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में। तो बेसिकली इन तीनों का मॉनिटरिंग विद द हेल्प ऑफ दिस गवर्नेंस टीम यहाँ पे परफॉर्म होगा, ठीक है। तो ये तीनों जो भी मॉडल्स हैं यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म यहाँ पे गवर्नेंस टीम के थ्रू यहाँ पे दिए जाएंगे उसी को अडॉप्ट करेगा ये सर्विस मॉडल, राइट। मीन्स कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है क्लाउड सिक्योरिटी एडॉप्शन, तो ये तीनों मॉडल यही सारे सिक्योरिटी मेजर्स को यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, उसको यूज करेंगे जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं यूजर्स को उसके लिए, प्लस यहाँ पे डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, ये डिप्लॉयमेंट मॉडल भी यहाँ पे सिक्योरिटी गवर्नेंस टीम जो है उसके जो भी मेजर्स हैं उसको फॉलो करेगा एंड अकॉर्डिंगली सर्विसेज क्लाइंट को प्रोवाइड करेगा। और ये डिप्लॉयमेंट मॉडल्स बेसिकली ये पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड 3 टाइप्स का मैंने आपको बताया था, तो ये तीनों टाइप के मॉडल में ये बेसिकली ये इनकॉर्पोरेट होंगी ये सारे डिफरेंट जो भी सिक्योरिटी टेक्निक्स हैं एंड देन उसका मीन्स की क्या आउटकम हो रहा है वो सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करेंगी, राइट। तो अकॉर्डिंगली ये यहाँ पे मेजर्स यूज करेगा, साथ के साथ सर्विसेज प्रोवाइड करेगा डिफरेंट यूजर्स को, राइट। तो और यहाँ पे ये डिफरेंट मॉडल्स का मॉनिटरिंग ये परफॉर्म किया जाता है, जितने भी सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ हैं वो विद इन द सर्विस मॉडल किस तरीके से परफॉर्म हो रही हैं, किस तरीके से फॉलो हो रही हैं, उन सब का मॉनिटरिंग यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, राइट। तो ये था बेसिकली आर्किटेक्चर ऑफ सिक्योरिटी गवर्नेंस। तो इस तरीके से डिफरेंट सिक्योरिटी मेजर्स अप्लाई किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं एंड फॉलो किए जाते हैं, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।